दारू करा दूं, ये श्रावणी गोस्वामी जी हैं। ओ श्रावणी जी। और देखिए, मैंने सीमा पांडे जी और ये साहिबा हैं, हर्षिता गांगई, ये हर्षिता हैं। और जब मैंने ये कहानी स्टार्ट की, तब से कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अगर लोग मुझे सपोर्ट ना करें तो मैं कब का गिर जाता, क्योंकि अकेला आदमी नहीं भाग सकता। अद्भुत कि उन्होंने इतनी मुसीबतों के बाद भी इस पिक्चर को कंप्लीट किया, थिएटर्स तक लेके आए, वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक फिल्म के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है, वो एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर और यूनिट ही जान सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका फाइनेंसर ठीक ना हो तो मैंने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें देखी हैं जो बीच में बंद हो जाती थी। हम लोग एज एन एक्टर, हीरो हीरोइन, हम लोग जाते थे यूनिट के सामने, हाथ जोड़ते थे, प्रोड्यूसर्स को बोलते थे प्लीज पैसे दे दीजिए उनके, यू नो, लाइट वाले भाग जाते थे कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, स्पॉट वाले भाग जाते थे। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज मुकेश आइए, बहुत आपका हक बनता है। मुकेश जी जो है वो किस थैले भर भर के जो पैसे देते थे वो नहीं बोला जा रहा है, मुकेश के थैले में पैसे कहाँ से आए। सो एक यू नो सिक्योरिटी जो एक डायरेक्टर की होती है कि मेरा जो बैकबोन है प्रोड्यूसर वो सही है और मेरे फंड्स आते रहेंगे और मेरी पिक्चर कंप्लीट होगी। मेरी कोई तो ये रह नहीं गया है, बट मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूँगी, आजकल फिल्म इंडस्ट्री बहुत अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ पे फिल्मों का बनना, उसका हिट होना, ये बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। तो स्मॉल बजट की मूवी एक तो बन जाए, बन के थिएटर में इतने लैविश तरीके से रिलीज हो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू ऑल ऑफ अस। सो आई रियली थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच मानव सर। इतना अच्छा फील हुआ जब हमारी मूवी इतने अच्छे तरीके से रिलीज हुई और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। आगे से लोग कहते हैं, हिमांशु सर थैंक यू सो मच, आगे से लोग फोन करके कहते हैं ओ माय गॉड इतनी अच्छी रेटिंग मिली है, इट हैज़ टू बी वेरी गुड, कहाँ पे लगी है। सो इट फील्स अमेजिंग। और कॉमेडी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एग्जैक्टली मैं बार गर्ल की ड्रेस में थी, आई वॉज डांसिंग, देन सडनली मानव सर कहते हैं अरे अरे चलो 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 पैकअप पैकअप पैकअप, मेरे पास क्या हुआ। फिर मैंने कंचन से पूछा क्या हुआ, अरे छोड़ भाग, अरे पुलिस आई भाग, और एक्चुअली हम सब भागे। इट वाज सो कॉमिक, मुझे होटल जाने तक पता नहीं चला कि हुआ क्या मेरे साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही पॉजिटिव नोट में मूवी स्टार्ट हुई, सारे स्ट्रगल जो भी थे बट एक फ्रेंडली एनवायरमेंट के साथ ये मूवी खत्म हुई। एंड आई एम रियली हैप्पी, फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि फाइनली हमारी मूवी को सारी चीजें मिल रही हैं जिसकी वो हकदार है। थैंक यू सो 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 मच मानव सर। के लिए बोलना चाहता हूं, आप ये रख लीजिएगा पीस जो भी है। देखिए, मैंने मूवी बनाई, दिल से बनाई, मैं ये अच्छी तरह से समझता था कि पब्लिक को अच्छी मूवी देखना पसंद है, अच्छी और बुरी होती है, बड़ी और छोटी नहीं होती। वो मैंने महसूस भी किया कि जब थिएटर में मेरे सामने बड़ी मूवी से लोग निकल रहे थे और मेरी मूवी से, तो मुझे अप्रिसिएशन मिला। मैं सिर्फ आप लोगों से एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, ये दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता था। कोरोना जब लगा था तो किसी को नहीं मालूम था, हम लोगों ने इससे पहले एक पिक्चर शुरू की थी, उसका मुहूर्त होने वाला था लेकिन कोरोना में रुक गया, दुनिया रुक गई। तो मैं कल रहूंगा नहीं रहूंगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ कि ये मूवी आप लोगों के, कई लोगों के शहर में नहीं आई है, ठीक है। उसकी वजह बहुत सारी थी और मैं, हम कुछ हमारी प्लानिंग के भी हिस्सा था। अभी मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मेरी मूवी आप लोग उसका ट्रेलर देखिए, टीजर देखिए, मेरे गाने देखिए, मेरे लोगों के रिस्पॉन्स देखिए जो मूवी को मिले हैं। आपके शहर में मेरी मूवी जब भी आए तो प्लीज गो एंड वॉच इन थिएटर, एक अच्छी मूवी है और आप लोगों को बहुत दिल से आपको लगेगा कि अच्छी है फिल्म। और अभी मैं इसको सब जगह लेके जा रहा हूँ, अभी हम लोग लंदन, रशिया, कनाडा, जितने भी कंट्रीज हैं ओवरसीज, सब जगह हम लोग पर्सनली जाके इसको रिलीज कर रहे हैं मूवी को। और ये मैं चाहता हूँ आप लोग देखें और मैंने अच्छी मूवी बनाई है उसको मेरे को आप लोग वो दें। मेरा मानव के लिए एक ही एडवाइस है, जब भी वो स्टेज पे बात करे और मैं उसके बाजू पर हूँ तो ये हाथ कम इस्तेमाल कीजिए, करे क्योंकि सारे फोटोज में ना उसके हाथ मेरे फेस पे आती है। सो प्लीज माइंड इट वेल। जब हम शूट करते थे तो मैं ये बात करता था, तो ये ना रघु मेरे साथ होता था शॉट में,
तो मैं जब भी कोई सीन बोलता था ना ए सुनना, तो जब मैं यूं करता तो ये हाथ ज्यादा नीचे करता था, चलते चोट पे इधर करता था, तो मैं बोलता था क्या प्रॉब्लम बताओ डिस्टेंस पे आ जाओ। तो जब भी मैं ऐसे हाथ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये बात तो कितने सीन्स में मैं बात करता रह रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद, से ज्यादा तो मैं क्या बोलूँ, आप बाकी आप सबको मालूम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस टीम को, मैं राज कपूर हो गया, इस टीम को मेरी दिली बधाइयाँ। देखिए फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ काम बोलता है, और काम जब राज कपूर के नाम से जुड़ा हुआ हो, और फिल्म इंडस्ट्री में इस दौर में कई सारी बड़े बैनर की फिल्में चल नहीं रही हैं, और ये सच्चाई से जुड़ी हुई फिल्में हैं ना, वो अपना काम बता देती हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि राज कपूर जी का नाम लेते हुए इन कलाकारों ने, इन सारी टीम ने इतनी ईमानदारी के साथ इस टीम को संजोया है, इस फिल्म में अपने सब्जेक्ट को पिरोया है, ये मैं अंदर के कलाकार को जगा दिया उन्होंने, और इनकी सक्सेस स्टोरीज़ इस कदर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही कम बजट में, बहुत ही संभल के, संतुलन रखते हुए अपने आप को, स्टोरी को, राज कपूर के नाम को प्रेजेंट किया है, और गाने देखते ही स्टोरी आपको कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन जब फिल्म के सीन देखे, इसके अंदर की काम करने की ईमानदारी देखी, तो मैं मानव जी का मैं कायल तो हुआ था। मैंने हिमांशु जी को फ़ोन किया, कहने लगा ये अरे ये अपने बंदे की फिल्म है, और मेरे लिए वंडर ये है कि जो टेलीविज़न पे इनकी इमेज है, उस इमेज को तोड़कर आगे चल के इन्होंने एज एन एक्टर जो प्रेजेंट किया अपने आप को, हैट्स ऑफ टू मानव जी, आप और आपके टीम को इस सक्सेस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और उम्मीद करते कि ऐसी एफर्ट्स आप आने वाले दिनों में अगर आप करेंगे उन लोगों के लिए जो सिनेमा लवर्स हैं, और क्लास और मास दोनों को अप्रिशिएट हो रही है जबकि ये फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हिम्मत ऐसे फिल्मों से बढ़ जाएगी। तो मैं आपको और आपके सारे टीम को, आपके कलाकारों को, आपके टेक्नीशियंस को ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सक्सेस और आगे लेके जाएं, और बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। देखिए ये तो इमेज ब्रेक करने वाली बात है ना, जैसे कि मानव जी ने भी किया है, तो हर कलाकार का एक अंदर का एक कॉर्नर होता है जिसमें वो बताना चाहता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइमली जो गैप बीच में आते हैं ना, तो अपने आप को साबित करने का उनको एक प्रॉपर मौका मिलते जाता है। तो मेरे बारे में आई थिंक पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जो आ रहा है वो बैक टू बैक आ रहा है, तो आई मस्ट रिक्वेस्ट माय फैन फॉलोअर्स कि आप प्लीज़ देखें, सराहें और रिव्यू दें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं नाराज़ नहीं करूँगा, पसंद इसी तरह आप करते रहें, एंड आई लव यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच। जी मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी इस फिल्म की सक्सेस के लिए। फिल्म बहुत ही खूबसूरत शूट की गई है, मैंने गाने देखे हैं, गाने बहुत खूबसूरत है, श्रावणी जी के साथ में मैंने काम किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया। और जी हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जाइए और ये फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने इस फिल्म में देखा है कि एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं वो इस फिल्म को देखने के बाद मिलता है। तो जी हाँ, आई एम वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू द एंटायर टीम ऑफ दिस फिल्म। अब क्या कहूँ, खुशी के मारे मेरे लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं। थर्ड वीक में हमारी फिल्म आ गई है, और अब फोर्थ वीक में भी जाएगी और फिफ्थ वीक में भी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आजू बाजू कोई फिल्म है, और बड़ी फिल्म होगी तो अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं। शुरू में ज़रूर थोड़ा हुआ था ऐसा, बट बाद में पता चला कि देखिए ओरिजिनल होता है, वो ओरिजिनल होता है, वो टिकता है बहुत ज़्यादा देर तक, और वही हमारी फिल्म के साथ में हुआ है। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे साल चले ये फिल्म।
मेरी दो नहीं, मैंने भांग नहीं पी थी, मैंने भांग पीने की एक्टिंग की थी। मैं काम के दौरान नशा नहीं करता हूँ, और वैसे भी नशा नहीं करता हूँ मैं, कभी कभार ठीक है, पर भांग वांग तो कभी पी नहीं मैंने ज़िंदगी में आज तक। सो जी जी जी, अब लोग मुझे क्या है ना, मैं अच्छे हीरो जैसा कुछ कपड़े पहन के करूँ तो उनको पसंद नहीं आता, मैं कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा करूँ तो उनको बहुत पसंद आता है। और ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी आड़ा टेढ़ा कुछ ऐसा करना पसंद आता है, मज़ा आया मुझे। और इस फिल्म में भी मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा, सराहा, मुझे खुशी है कि हमने जो मेहनत की है वो रंग लाई है, और आगे और भी मज़ा आएगा सब लोगों को बाकी प्रोजेक्ट भी देख के। थैंक यू। मेहनत की है, फिल्म को शूट भी बहुत अच्छा किया है, और उससे अच्छा काम ये किया है कि इनको लेकर गया है सही जगह पे, जहाँ से एटलीस्ट फिल्म रिलीज हो सके। फिल्म मुझे इन्होंने दिखाई, फिल्म मैंने देखी, फिल्म ने मुझे कनेक्ट किया। सबसे जो इम्पोर्टेंट और ऑनेस्ट फीडबैक था